अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आहा हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लाए हैं और मैं बैठ रहा था, वैसे सोच रहा था कि यार कुछ किया जाए, क्योंकि मैं इतने दिन नहीं आया, कोई मेरे टेस्ट चल रहे थे, इस वजह से मेरी ना वीडियोस आ रही थी ना कुछ, मतलब बहुत अरसा हो गया, मैंने ना कोई वीडियोस भेजी है ना कोई। एक लास्ट टाइम हम सिर्फ सखर गए थे तो वो ही वीडियो आई है, उसके बाद नहीं है। मेरे एक कमीशन का टेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टेस्ट तो क्लियर कर लिया, अब बस इंटरव्यू की कॉल आनी है। बस दुआ करें आपका भाई उसमें कामयाब हो जाए, तो बस अल्लाह से दुआ है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैंने जो है ना वो जो बनना था वो उससे मैंने टेस्ट दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना उसमें कामयाब भी हो चुका हूँ। अपने जो है ना बस ये है कि अब जो हमने हमारे इंटरव्यू रहते हैं वो इंटरव्यू हो जाए, अल्लाह करे। तो अभी तो कमर भाई आए थे, मैंने उनके साथ वीडियो नहीं बनाई। कमर भाई ने भी एक जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो प्लेटफॉर्म में भी वो अपग्रेड हो चुके हैं, तो कमर भाई को मैंने कहा आ जाए एक व्लॉग बना दिया जाए, लेकिन वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट संडे आएगा ना तो उस पर हम एक मीटअप भी रखेंगे। तो उसके मैंने उनसे कहा मैं ट्रीट तो लूँगा भाई, तेरे से ट्रीट होगी, वो भी कोई अच्छी, मैं हल्की फुल्की नहीं लेने वाला, कोई होता है कोई चाय वगैरह, मैं इस पर राज़ी नहीं होने वाला। तो कमर भाई ने कहा हम एक व्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत आपको एक सरप्राइज़ दिखाएंगे कि उनने अपनी कितनी मेहनत की अपने प्लेटफॉर्म को उसका अपग्रेड करने में, और माशाल्लाह उनकी मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं गई, बहुत ही मेहनत की कमर भाई ने। और मैंने उनकी वो प्लेटफॉर्म देख के मैंने उनको मुबारकबाद भी दी, लेकिन मैं थोड़ा सा रह गया, हैरान रह गया। मैंने कहा यार काश कि मैं भी इस पर आपका साथ देता, क्योंकि मैं इस वजह से उसे टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे थोड़े काम थे तो मैंने टेस्ट वगैरह देनी थी। तो कमर भाई ने कहा आप टेस्ट की तैयारी कर लें, कोई मसला नहीं, हम बाद में भी एक साथ काम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट संडे उस पर अकाउंट बना लूँगा और आपको भी हम बताएंगे, आप भी जो है ना थोड़ा उसमें काम कीजिएगा। ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन फील्ड में बहुत ही पैसा है, आप अगर करना चाहें ना बहुत ही काम है। मेरा कज़न भी कर रहा है फोर्सेज में, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मतलब उसमें डॉलर कमा रहा है। तो फोर्सेज की बातें मैं उनका लिंक भी आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, और अगर जिसको भी मतलब चाहिए वो आए मेरे व्हाट्सएप पर जो है ना, मैं उनको सब कुछ समझा दूंगा। तो बाकी रही बात कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे आपको एक अच्छा सा व्लॉग दिखाएंगे, जिसमें एक सरप्राइज़ होगा कि कमर भाई ने जितनी मेहनत की है ना। मैं ये ख़ास वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है कि कमर भाई को हम जो है ना आपको दिखाएंगे सरप्राइज़। अब जो वो सरप्राइज़ देने वाले हैं ना, तो आप वो भी देख के माशाल्लाह आप भी कहेंगे यार बहुत कमर भाई ने बहुत मेहनत की। उन कमर भाई को कम से कम 2 साल लगे उनको ये चीज़ अपग्रेड करने में, 2 साल में तो उनका कोई ना रिव्यू आ रहा था ना कुछ। मैंने तो कमर भाई को मैंने कहा यार कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, आप बेवजह से टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैंने उनको जो है ना इतना भी कह दिया कि भाई इसका कुछ होना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यार देखिए मैंने मेहनत की है तो इसका मुझे जो है ना अल्लाह अजर भी देगा। तो उनके सब्र और उनकी जो इतनी उन्होंने सब्र किया है ना माशाल्लाह, आज उनको मैंने देखा है कि वो बहुत ही अपनी लाइफ में ऐसे सेट होने वाले हैं कि माशाल्लाह अल्लाह उनको और भी कामयाबी दे। और इंशाल्लाह कुमार भाई ऐसे ही आप जो है ना उस पर मेहनत करते रहें, आप इंशाल्लाह कोई नंबर 1 पर उस पर इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये खास वीडियो मेरे सिर्फ उसके लिए थी और मैंने उनको सिर्फ कॉन्ग्रेट्स वैसे तो कहा, मैंने कहा अपने दोस्तों को भी बता दूँ, अपने जो सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे भाई हैं इन सबको बताता जाऊँ। और कमर भाई को यार आप भी सपोर्ट कीजिएगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं माशाल्लाह बहुत ही मेहनती बंदे हैं यार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट संडे, और नेक्स्ट संडे हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे ऐसे समझें, क्योंकि हम उनसे ट्रीट भी लेने वाले हैं बहुत ही अच्छी अच्छी वाली। तो समझा करें ना, थोड़ा कुछ खाना पीना भी हो जाए, ऐसे नहीं सिर्फ मुबारक मुबारकबाद, ऐसे हल्की हल्की नहीं जाती है ना, वैसे मुबारकबाद मज़ा भी नहीं देती, कुछ ट्रीट वीट होनी चाहिए।